12th का लॉजिक गेट है, इसके बारे में जान लेते हैं। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। लॉजिक गेट एक एक ऐसा गेट है जिसमें द्विधारी संक्रिया, जिसे कहते हैं बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या या बाइनरी नंबर, ठीक है ना। बाइनरी संख्या कौन कौन होता है? 0 और 1 होता है। जहां 0 को हम कहते हैं ऑफ तथा 1 को क्या माना जाता है? ऑन माना जाता है, ठीक है ना। यह इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें केवल 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर, कोई भी संख्या नहीं आएगी। 0 को ऑफ और 1 को ऑन माना जाता है। यानी लॉजिक गेट क्या है? जो द्विधारी संख्या यानी बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। लॉजिक गेट में आता है, पहले आता है आपका मूल लॉजिक गेट, यानी मूल लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है OR गेट, ठीक है ना। OR गेट के बारे में जान लेते हैं। OR गेट क्या है? पहला आपका OR गेट आता है, दूसरा आपका आता है AND गेट, और तीसरा आपका आता है NOT गेट, ठीक है ना। यह 3 प्रकार के होते हैं मूल लॉजिक गेट। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहला आपका है OR गेट के बारे में, कि OR गेट होता क्या है, जान लेते हैं इसके बारे में। यानी OR गेट एक ऐसा गेट है जिसमें 2 निवेशी तथा 1 निर्गत। अब 2 निवेशी कौन होते हैं, इसमें भी जान लेते हैं। ए व बी, यानी 2 निवेशी तथा 1 निर्गत क्या होता है? वाई होता है। इसका बूलियन व्यंजक वाई इक्वल्स ए आर बी, इसको प्लस नहीं, क्या बोलेंगे? आर, यानी वाई इक्वल्स ए आर बी। अब इसके बाद आता है आपका, इसका बूलियन व्यंजक वाई इक्वल्स ए आर बी, इसको प्लस नहीं बोलेंगे, यानी ए आर बी। इसके बाद जान लेते हैं आर गेट की सत्यता सारणी। आर गेट की सत्यता सारणी क्या होती है? आपका यहां पर बनता है निवेशी, और यहां पर क्या होता है आपका निर्गत। कितने निवेशी लिए थे हमने? ए व बी, यानी 2 निवेशी होते हैं इसमें। 1 निवेशी होता है ए और दूसरा होता है बी, और निर्गत क्या होता है आपका? वाई, और यह किसके बराबर होता है? ए आर बी, यानी ए प्लस बी को, यानी ए आर बी को प्लस को आर। इसका बूलियन में इसको लिखेंगे कैसे इंग्लिश में? यानी ए प्लस को क्या पढ़ेंगे? आर बी इक्वल्स क्या कहेंगे? वाई, यानी ए आर बी इक्वल्स वाई, ये होगा ए आर बी इक्वल्स वाई, ठीक है ना। अब निवेशी में अगर हम 0 और 0 लेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी? 0 निर्गत की। अगर 1 और 0 लेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी? 1। अगर 0 और 1 लेंगे तो 1 ही आएगी। 1 और 1 लेंगे तो क्या आएगा? तब भी 1 ही, क्योंकि 0 और 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आ सकता है। अगर समझना है तो जैसे जोड़
प्लस जैसे जोड़ते हैं आप लोग तो जीरो और जीरो का ऐड जीरो ही आएगा, वन और जीरो को जोड़ेंगे तो वन ही आएगा, जीरो और वन को जोड़ेंगे तो वन, लेकिन वन और वन जोड़ो को टू यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि जीरो और वन के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आ सकती है, तो वन और वन भी क्या आएगा, वन ही आएगा। अब इसका सात प्रतीक जान लेते हैं कि और गेट का प्रतीक क्या होता है। यहाँ पर दो निवेशी हो गए ए और बी, यानी इसको बोलते हैं निवेशी, और यहाँ पर क्या बनता है आपका निर्गत वाई होता है, इसको बोलते हैं निर्गत वाई इक्वल्स क्या होता है ए आर बी, और ये कौन सी गेट आपका आर गेट, लिखेंगे आर गेट का प्रतीक है, ठीक है ना, ये आपका आर गेट कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका दूसरा और गेट हो गया है, अब इसके बाद आता है आपका एंड गेट, एंड गेट के बारे में जान लेते हैं, फिर वही लिखेंगे उसमें सेम टू सेम परिभाषा है, एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें दो निवेशी कौन कौन से होते हैं ए व बी तथा एक निर्गत वाई होता है, इसका बूलियन व्यंजक होता है ए एंड बी इक्वल्स वाई, यानी इसको क्या पढ़ेंगे ए एंड, यानी ए हो गया एंड गेट है तो एंड यानी इनटू को यहाँ पर एंड कहते हैं, ए एंड बी इक्वल्स वाई। अब जानते हैं एंड गेट की सत्यता सारणी, एंड गेट की सत्यता सारणी क्या होती है, सबसे पहले आपका बनता है निवेशी और दूसरा क्या होता है आपका निर्गत, ठीक है ना, तो निवेशी और निर्गत में जान लेते हैं, आपका निवेशी कितना होता है दो, एक ए होता है दूसरा क्या होता है बी, तो दो निवेशी हो गए, और निर्गत क्या होता है वाई, वाई इक्वल से क्या होता है ए एंड बी। अब इसके बारे में जान लेते हैं, अगर जीरो जीरो लेंगे तो जीरो और जीरो का डाट यानी गुणनफल समझ सकते हैं, तो जीरो ही आएगा, अगर वन और जीरो लेंगे तो भी जीरो आएगा, जीरो और वन लेंगे तो भी जीरो आएगा, अब लास्ट में क्या लेते हैं वन और वन लेंगे तो लास्ट में क्या आएगा वन आएगा, यानी जीरो का गुणा जीरो में जीरो, वन का गुणा जीरो में जीरो, लेकिन गुणा नहीं कहेंगे यह एंड है, जीरो और वन, जीरो और वन, और वन क्या आता है वन ही आता है, ठीक है ना। अब आपका इसमें जान लेते हैं प्रतीक क्या होता है एंड गेट का, दो निवेशी होते हैं एक ए और एक बी, इसको बोलते हैं निवेशी, यहां पर आपका क्या निकलता है निर्गत, निर्गत कौन होता है वाई, वाई इक्वल्स होता है ए एंड बी, यह कौन सा गेट है आपका एंड गेट, राइट। अब इसके बाद जान लेते हैं तीसरा है जो नॉट गेट, नॉट गेट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें केवल एक निवेशी होता है, यानी एक निवेशी कौन होगा ए तथा एक निर्गत कौन होता है वाई होता है, इसका बूलियन व्यंजक होता है आपका ए बार इक्वल्स वाई, इसको क्या बोलेंगे गणितीय भाषा में बार, तो ए बार इक्वल्स वाई। अब इसका सत्यता सारणी देख लेते हैं नॉट गेट का,
नॉर्थ गेट का सप्त साड़ी, सबसे पहला आपका आता है निवेशी और यहाँ पर आपका बनता है निर्गत। अब इसमें एक चीज़ यह देखना है कि निवेशी कितना होता है, केवल इसमें एक होता है ए, और निर्गत कौन होता है, ए बार इक्वल से क्या होता है, वाई निर्गत होता है। आपका इसमें चेंजिंग क्या है जान लेते हैं, जीरो लेंगे तो वन आएगा और वन लेंगे तो क्या आएगा, जीरो, बस यही इतना ही है इसमें। अब आता है नॉट गेट का प्रतीक क्या है, इसमें केवल आपका एक निवेशी निकलता है, कौन, ए, यानी यहाँ पर आपका हो गया निवेशी, और यहाँ पर आपका निर्गत में यहाँ पर इस तरह का प्रतीक रहता है तो नॉट गेट आएगा, यानी यहाँ पर निर्गत क्या हो गया, वाई, वाई कौन सा क्या होता है, ए बार, यह कौन सा गेट है आपका, नॉट गेट, यानी कहेंगे नॉट गेट का प्रतीक।